वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, दैट्स पैंथोमैथ वर्ल्ड। सो क्लास 10 आज हम कर रहे हैं चैप्टर कंस्ट्रक्शन, चैप्टर 11 है, ठीक है। उसका 11.1 का फर्स्ट सम है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू रेशियो 5.5:8। मेजर इट्स पार्ट, इसमें हमने क्या करना है, हमें एक लाइन सेगमेंट बनानी है। चलो वैसे पहले वो बनाते हैं हम, ठीक है। तो इसके रखेंगे लाइक दिस, ये रखते हम लाइन सेगमेंट। तो ये हमने लाइन सेगमेंट बना दी 7.6 सेंटीमीटर की। यहाँ पे हम साथ साथ में ही लेबलिंग करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे पॉइंट ए पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एंगल बनाना है जो 90 डिग्री से कम हो। मैं यहाँ पे स्केल से बना, आप भी स्केल से ही बनाना, क्योंकि 90 डिग्री से कम का एंगल इस साइड को ही आएगा, तो आपको कोई और चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने एंगल बना लिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमने अपने कंपास को लेना है, यू कैन सी, ठीक है। इसको यहाँ पॉइंट ए पे रखना है एंड देन एक एंगल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा एंगल ड्रॉ, क्या हो गया हमारा एंगल ड्रॉ, ठीक है। अब हमने अपने कंपास को 1 सेंटीमीटर खोलना है, ठीक है। तो हम खोलते हैं, ये हमने अपने कंपास को 1 सेंटीमीटर खोल लिया। अब हमें क्या करना है, हमें फिर से ए पॉइंट पे रखना है अपना कंपास एंड देन आग लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रेशियो दिया है 5:8, ठीक है। तो इसका सम कितना होगा, 13। तो हमें यहाँ पे 13 आर्क्स लगानी है। जब भी रेशियो दिए हो तो हमें उनके सम का आर्क लगाना है। जैसे यहाँ पे रेशियो कितनी है, 5:8 है, तो यहाँ पे हम इनका सम क्या होगा, 13। तो यहाँ पे आर्क्स क्या होगी, 13। तो हम 13 आर्क्स लगाएंगे, पहली ये सेकेंड थर्ड गाइस, लेबलिंग हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो A13 है ना, A13 जो आर्क लगी है, इसको हमें बी पॉइंट के साथ मिलाना है। A13 को क्या करना है, बी पॉइंट के साथ मिलाना है। सो हियर वी गो, ये हमने मिला दिया। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जॉइन A13 एंड बी, ठीक है। तो ये हमने मिला दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप है आर्क की कोई सी भी लेंथ लेके, कुछ भी कैसी भी लेंथ लेके, ये हमें रखनी है अपनी आर्क को, मीन्स की आर्म को रखना है, कंपास की आर्म को रखना है A13 पे एंड देन किसी भी एंगल पे इसको यहाँ पे आर्क लगा देनी, ठीक है। तो ये हमने लगा दी A13 से यहाँ पे आर्क। अब हमें देखना है इनमें दोनों में से, रेशो में से बड़ा नंबर कौन सा है। यहाँ पे हमें कौन सा बड़ा नंबर मिल रहा है, 8। तो हमें क्या करना है, 8 पे आर्क रख, वही लेंथ जो हमने यहाँ पे, जिससे यहाँ पे आर्क लगाई थी ना, वही हमने एट पे आर्क लगानी है फिर से। यू कैन सी, ऐसे लगा देंगे आर्क सेम एंगल पे, ठीक है। तो ये हमने आर्क लगा दी। अब हमने ये वाले एंगल को जो हमने लगाई थी A13 से आर्क, उसको मेजर करना है। मेजर कैसे करना है, एक को यहाँ पे रखेंगे, एक को यहाँ पे रखेंगे, तो ऐसे मेजर करना है, एक को यहाँ पे, एक को यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे मेजर करेंगे, अब हमने मेजर कर लिया। अब हमने जहाँ पे आर्क लगाई थी, एक ये वाली जो आर्क लगाई थी ना, इसके
इसको कट करना है उसी मेजर से। यहाँ पे आग लगी थी ना, तो यहाँ पे हम कट कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे कट हो गया। अब हमें क्या करना है, मैं पेंसिल कर रही हूँ, आपने पेंसिल से करना है कि आपको दिख जाए, हाईलाइट हो जाए। A8 से लगाई थी ना हमने आग, तो यहाँ से इस आग को, इसको यहाँ पे एक लाइन बनानी है जो पैरेलल होगी इस वाली लाइन की। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत पैरेलल नहीं आ रही तो आपने खुद देख लेना है, क्योंकि मार्क्स जो है पैरेलल लाइंस के मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमें यू कैन सी ये पैरेलल है ना, तो इसको भी हम नेम दे देंगे B1। तो ये हमारा हो गया रेडी, हमने जो बनाना था वो बन गया। सबसे पहले क्या करना है, ये लाइन सेजमेंट बनानी है, देन यहाँ पे आर्क लगा लेनी है, कोई एक्यूट एंगल बना लेना है, देन अगर रेशो हो तो उसके सम का आर्क लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देन हमने कोई भी यहाँ पे आर्म को खोल के कहीं कोई सी भी एंगल पे यहाँ पे बना लेना है। देन हमने बड़े नंबर पे बनाना है, इसको मेजर करना है, यहाँ पे उस मेजर को कट कर देना है। देन इसको ये वाली लाइन जो है ना, इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, इसी चीज़ के मार्क्स मिलेंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब and stay tuned guys.